आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10, कि क्लास 10 के बाद में किस कोर्स में किस सब्जेक्ट को लेना चाहिए। ओके, सबसे पहले तो अ बिग कांग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स मैं पास द एग्जामिनेशन, जो चेक पास कर चुके हैं इस साल, जो है बेसिकली 91.46% स्टूडेंट हैं जो एग्जाम पास कर चुके हैं, और 8.454% स्टूडेंट हैं जो किसी ना किसी रीजन की वजह से पास नहीं कर पाए हैं। तो जो स्टूडेंट पास नहीं कर पाए हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप लोगों के पास 1 ईयर है, इसको आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए और मेहनत करिए और उसके साथ पास होइए। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये चूज करने से पहले कि हमें 10th के बाद क्या करना चाहिए, पहले आप ये समझिए कि जो हमारा एजुकेशन है वो किस टाइप का है। सबसे पहली चीज, जो क्लास 10th है, क्लास 10th है ये आपका स्कूल तक होता है, यानी क्लास 10th में क्या क्या स्कूल कर लिया, इसके बाद जो है ये आपका कॉलेज की कड़ी जाता है, यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी, सिक्स टू एट जूनियर जिसे हम सीनियर क्लास कह सकते हैं या अपर प्राइमरी भी कह सकते हैं, 9th 10th हाई स्कूल। अब हाई स्कूल के बाद, जब हाई स्कूल के बाद जाते हो आप आ जाते हो कॉलेज की कैटेगरी में, यानी कि 11th 12th जो है वो आपका इंटर कॉलेज, देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, देन एमबीए, पीएचडी, ये आपकी लास्ट है। ओके, इंटर कॉलेज 2 ईयर का, ग्रेजुएशन 3 ईयर का, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 ईयर का, हाँ इसमें जो बीटेक है वो 4 साल के, अगर जब अकेडमिक पे जाते हो तो 3 साल ही होता है। अब 10th की पोटेंसी क्या है, पहला आप ये सोचिए, इंडिया में 90% स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि उनको 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारे टोटल पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो मिडिल क्लास से आता है। अब मिडिल क्लास से आने के बाद मिडिल क्लास में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि आप किसी भी कोर्स में इन्वॉल्व हो, आप कुछ भी करो, आप साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट लो, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको एक ही मोटिव होता है कि आपको इनकम करनी है, आपको अर्निंग करनी है। एट द एज ऑफ 25 देयर आस्क यू ओनली देयर सैलरी, देयर इनकम, देयर नॉट आस्क यू देयर एजुकेशन। कि 25 के एज पे कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया है, आपने साइंस लिया, कॉमर्स लिया है, नहीं, हर कोई ये पूछता है कि आपको आप कितना अर्निंग कर रहे हो। अब ये बात देखो कि हमें अर्निंग करना है, ओके, ये तो कन्फर्म है, अर्निंग तो सबको ही करना है, कंपलसरी है, ये तो एक गोल सभी का है। लेकिन इसके अलावा अब डाउट ये है कि हम क्या ऐसा काम करें, कौन सा कोर्स लें जिससे कि हम लोग अर्निंग अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले चलो ये आपको ऑप्शन आ गया स्कूल कॉलेज ऑफर क्या है। जैसे 10th क्लास खत्म होता है स्कूल, उसके बाद आपके पास दो कैटेगरी होती है, या तो आप कॉलेज जाओ या फिर या तो आप सॉरी एकेडमिक कोर्स लो या कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स लो। ध्यान रहे, 10th क्लास के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला या तो कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स जिसमें आपका डिप्लोमा आता है और पॉलिटेक्निक आता है या आई टी आई अलग होता है, आई टी आई अलग होता है। ठीक है, दूसरा नंबर होता है वही 11th 12th, ओके, जो हम नॉर्मल होते हैं इसको हम लिखते हैं सॉरी अकेडमिक कोर्स, अकेडमिक। ठीक है, क्या कैटेगरी है आपके पास में, या तो आप प्रोफेशनल कोर्स में जाओ या एकेडमिक कोर्स में जाओ। एकेडमिक में फिर आपको भाई 11th 12th इंटर कॉलेज और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल ये आता है। ठीक है, अब एकेडमिक में आने के बाद एकेडमिक में आपके पास 3 चॉइस होती हैं, या तो आप आर्ट लो, कॉमर्स लो या साइंस लो। ओके, ये चीजें हैं। अगर आप साइंस लेते हो, बेसिक साइंस में आप बेसिकली वही इंजीनियरिंग बीएससी, तो जितने टॉपिक आपके यहाँ पे हैं इंजीनियरिंग के, उन्हीं से रिलेटेड जो है टॉपिक आपको यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, ये इससे छोटा होता है। ठीक है, आईटीआई बेसिकली आपका 1 ईयर 2 ईयर का होता है और पॉलिटेक्निक आपका 3 ईयर का होता है। ठीक है, तो जैसे आप कंपनी में जाते हो तो एक होता है इंजीनियरिंग, एक जो इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग करके आया है, एक सेम बंदा होता है जो आईटीआई से इंजीनियरिंग आईटीआई करके आया है इलेक्ट्रिक्स से। ठीक है, अब इनमें फर्क क्या होता है, जहाँ पे वायरिंग हो रही है, जो बीटेक वाला है उसके ऊपर रोड मैप बनाएगा कि हाँ कैसे वायरिंग करनी है, क्या पावर रहेगा, क्या एम्पीयर रहेगा,
और जो ये बंदे होते हैं आईटीआई वाले उनसे काम करवाया जाता है, हम भी कह सकते हैं कि ये स्किल्ड लेबर होते हैं, स्किल्ड। ओके, अब ये हम सुन में आ रहा है कि आर्ट कॉमर्स है। अब एक सबसे बड़ा डाउट है कि अब हम क्या ले, हम आर्ट ले, कॉमर्स ले, साइंस ले या पॉलिटेक्निक करें, ठीक है? ये बहुत ही बड़ा डाउट है स्टूडेंट्स के माइंड में। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट चूज करते हैं वो सिर्फ दो चीजें देखते हैं कि मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, मेरा फ्रेंड साइंस ले तो मैं भी साइंस लूंगा, मेरा फ्रेंड कॉमर्स ले तो मैं कॉमर्स लूंगा। ओके, दूसरा कि देखो उन दीदी ने, उन भैया ने कॉमर्स लिया था तो उनको ये पैकेज मिल रहा है आज के डेट में, उन भैया ने इंजीनियरिंग करी है तो उनको ये पैकेज मिल रहा है, तो तुम भी यही करो। ओके, इंडिया में अगर इंजीनियरिंग की बात करूँ, इंजीनियरिंग इंडिया में करीब 18 लाख स्टूडेंट हर साल इंजीनियरिंग करते हैं, 18 लाख, और 18 लाख में से 1.5 लाख ही होते हैं जिनको प्रॉपर जॉब मिल पाती है, जो एक अच्छी वैल्यूबल जॉब होती है, ठीक है? बाकी स्टूडेंट्स भी यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ और अपना काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि आपको सोचिए कि कहाँ 18 लाख स्टूडेंट मेरे नंबर इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया हो। ओके, 18 लाख स्टूडेंट जो है हर साल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो 18 लाख को जॉब मिल ही रही है, जॉब जो मिल लिया 1.5 लाख को, उसमें हम श्योर नहीं है कि साल 1.5 को मिलेगी या और कम हो जाएंगे या इंक्रीज हो जाएंगे, हमें नहीं मालूम, ठीक है? अब ये चीज हो गया। अब देखिए, इस सबसे पहली चीज, अगर आप उनसे कोई भी कोर्स ले रहे हो तो ये मत देखो उन भैया ने क्या लिया है या हमारे पड़ोसी क्या ले रहे हैं, फ्रेंड क्या ले रहे हैं, नहीं, ये आपको बिल्कुल नहीं देखना है। पहले आप ये समझो कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। अगर आपका गोल सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम है, समझ बात को, अगर आपका जो है जो गोल जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, फिर तो आप इन चीजों से कुछ भी हो आप यहां पे आ सकते हो, आप ये करके भी यहां पे आ सकते हो। आपने टेंथ कर रखा है ऑनलाइन, उसके बेस पर भी कुछ गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं, जैसे स्वीपर वगैरह होते हैं, पियोन वगैरह होते हैं, उनके निकलते हैं, ठीक है, डिफेंस वगैरह में, रेलवे वगैरह में, एसएससी में भी वाई जेड ग्रुप पे निकलते हैं, बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, ठीक है? अगर आप तो यानी कि टेंथ पर गवर्नमेंट जॉब है तो ये है। अब ये कैटेगरी आता है कि हमें, हाँ जी, और 80% जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें क्या होता है कि आप कुछ भी स्ट्रीम ले लो, आर्ट लो, कॉमर्स लो, साइंस लो, आप गवर्नमेंट जॉब पर अप्लाई कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर 12th। ओके, हाँ, कुछ ऐसे फील्ड है जहां पे ये मेंशन होता है कि आपका कॉमर्स ही होना चाहिए, आपका साइंस ही होना चाहिए, ठीक है? तो ये स्टूडेंट्स आपको देखना है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब में आप किस गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल के लिए कि जैसे कि अब आईएएस है, जो कलेक्टर की जॉब होती है ना, अब जो आईएएस आईपीएस होते हैं उनके लिए ये कहते हैं कि आप सिर्फ ग्रेजुएशन कर लो और ग्रेजुएशन करके आ जाओ, आप एग्जाम दो, आपने कर लिया, क्वालिफाई हो गए तो आप बन जाओगे। वो ये नहीं कहते कि आपने आर्ट लिया है, कॉमर्स लिया है, नहीं, आप कुछ भी ले लेते हो इसे। वहीं पे अगर आप एनडीए में जाते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी, या सीडीएस में जाते हो, जो कमांड डिफेंस सर्विस होता है, इनमें क्या होता है, इनमें कहते हैं कि आपका साइंस होना चाहिए, साइंस में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, कंपलसरी है, साइंस में फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है, तो वो तो एक अलग कैटेगरी हो गया। ओके, अब कुछ और बहुत सी जॉब निकलती है, सबसे पहले आप ये देखना कि आप किस कैटेगरी में आप जॉब ले रहे हो गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को चूज करो। पहला तरीका ये हो गया कि अगर आपका एम गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब में किस जॉब पे जा रहे हो, उस जॉब के अकॉर्डिंग आपको ये लेना है, सब्जेक्ट चूज करना है। दूसरा अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है, आप फिर तो क्या देखो, आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपका इंटरेस्ट किसमें है। अब बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमें ये नहीं मालूम कि हमारा इंटरेस्ट है किसमें, ठीक है? तो इस केस में जॉब कर सकते हो, इस केस में आप कुछ लोगों से कंसल्ट करो, अपने फ्रेंड्स से, अपने मम्मी पापा से, अपने टीचर से, यूनिवर्सिटी टीचर से, उनसे कंसल्ट करो कि आपके अंदर वो क्या टैलेंट है जो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है? हो सकता है कि कई बार आपके जो टीचर्स हैं वो आपको सजेस्ट कर दें, जो आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, जो आपसे एल्डर हैं वो आपको सजेस्ट कर दें, पेरेंट्स सजेस्ट कर दें, तो उनसे पूछिए कि आप क्या जो आप चूज कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको क्या है, फर्स्ट आप ये, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हो उस गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा स्ट्रीम ज्यादा अच्छा रहेगा वो चूज करो, ठीक है? आप यहाँ से गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, यहाँ से गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो,
याद रखना, अगर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है तो जरूरी नहीं कि आप नहीं करें। हाँ ये जो मतलब प्रोफेशनल कोर्स में आ जाते हैं डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, ये करने के बाद आपको जॉब मिल जाता है ठीक है, लेकिन ये करने के बाद जो आपको जॉब मिलता है उनका सैलरी पैकेज बहुत ही कम होता है। क्योंकि मैंने कहा ना ये एक स्किल लेवल है, स्किल लेवल है तो वही की सैलरी 15-20 इससे ज़्यादा नहीं हो पाती है। अगर हाँ अगर ये चीज़ अगर आप इन्हीं के बेस पे जो गवर्नमेंट में निकलते हैं पोस्ट गवर्नमेंट जॉब में अगर आप वहाँ चले जाते हो तो आपका सैलरी पैकेज थोड़ा अच्छा हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो ठीक है। अदरवाइज तो प्राइवेट फील्ड में इन पोस्ट की सैलरी बहुत कम है। आपने गवर्नमेंट जॉब ले लिया ठीक है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाना, इंटरेस्ट देखो इंटरेस्ट की चीज़ में ओके। इंटरेस्ट के बाद अच्छा आता है आस्क योर टीचर्स, ये अपने टीचर से या फैमिली मेंबर से लास्ट में फ्रेंड से कंसल्ट करो, लास्ट में फ्रेंड से इसलिए रखा है क्योंकि अब होता क्या है ना कि मोस्टली स्टूडेंट ये सोचता है कि यार मेरा दोस्त साइंस लिया मैं भी साइंस लूंगा, जी नहीं ऐसा नहीं है। हाँ अगर आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो ठीक है कुछ भी या इधर से भी तो ये मैं देखना कि आपके टेस्ट में मार्क्स कितने हैं, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब हर किसी का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग होता है। अगर मैं अपनी पर्सनल खुद की बात करूँ तो मेरे खुद के जो सोशल साइंस हैं टेंथ में सोशल साइंस में मेरे बहुत कम मार्क्स थे क्योंकि सोशल साइंस में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ने में, बस कल इट्टा मार लिया और पढ़ लिया और पास हो गया ठीक है। हिंदी वगैरह लिखने में भी इंटरेस्ट नहीं था तो उनमें मेरे मार्क्स कम आए। मैथ में साइंस में इंटरेस्ट था मेरे को तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए ठीक है। तो परसेंटेज जब आप देखो जब परसेंटेज बनती है तो आपके फाइव सब्जेक्ट तो ओवरऑल देख के बनता है, तो मेरा इंटरेस्ट दो में था, दो में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए अबव 80 बाकी कम आ गए। तो इसीलिए अपना इंटरेस्ट जरूर देखो कि आपको इंटरेस्ट किस में है ठीक है। तो फिर मैंने साइंस लिया देन अच्छा किया मैंने परफॉर्मेंस 12th क्लास में। अब वहीं पर जिन्होंने सिर्फ अपने मार्क्स के बेस पे साइंस ले लिया उनका फिर और बुरा हाल हो गया क्योंकि 11th 12th का जो सिलेबस है वो सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होता है 10 से, बहुत अपडेटेड सिलेबस होता है वो ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या करना है आपको अपने टीचर से फैमिली से फ्रेंड से सजेस्ट करना है, पूछना है कि हाँ कि वो क्या चीज़ है जिसमें आप अच्छा कर सकते हो। समझा गया आप लोगों आपको आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, ये तीन चीज़ हो गई। आपने इंडियन फ्रेंड्स डिस्कस कर लिया फिर भी आप उसमें नहीं आ पा रहा है कि क्या करना है तो इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जो है थोड़ा सा और रिसर्च करिए, रिसर्च करो कि आपको किस फील्ड में जाना है, रिसर्च करो कुछ इंटरव्यूज देखो आज की डेट में गूगल पे यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है ठीक है। जो IAS वगैरह होते हैं उनके इंटरव्यूज देखो, जो बैंक वगैरह के क्लर्क वगैरह होते हैं PO होते हैं उनके इंटरव्यूज देखो, जो इंजीनियर के हैं उनके इंटरव्यूज देखो, तो बहुत कुछ नया आपको मिलेगा कि किसने कैसे स्ट्रगल किया है ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपका गोल साइंस से लेकर के बीटेक करने का है, सपोज करो आपका गोल क्या है साइंस से लेकर के बीटेक करने का, तो बीटेक वाले जो हैं उनके इंटरव्यूज देखो, जो आपके APJ अब्दुल कलाम सर हैं उनकी विंग्स ऑफ फायर है बुक है विंग्स ऑफ फायर, ये जरूर रीड करो आप लोग अगर आपका गोल इंजीनियरिंग का है तो। विंग्स ऑफ फायर बुक है APJ अब्दुल कलाम की, या जरूर रीड करिए अगर आपका गोल इंजीनियरिंग का है। सेम अगर आपका गोल IAS का है ठीक है, तो एक KPS गिल है उनकी लाइफ की बुक है वो पढ़िए आप, नॉवल है पूरी वो, तो इस टाइप से आप पहले देखो कि आप एक बार ना अगर आप इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है तो भी अगर बुक्स वगैरह रीड करो, बहुत कुछ नए टॉपिक मिलते हैं कुछ नया मिलता है सीखने के लिए कि किस तरह से जो ये लोग रहे हैं इन्होंने स्ट्रगल किया है और कैसे इन्होंने अचीव किया इन लोगों ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने एक गवर्नमेंट जॉब देख लिया और हाँ जब ये दो चीज़ देख लो इन दो पे ही आपको 90% स्टूडेंट को अपना आंसर मिल जाता है हमें क्या लेना चाहिए कौन सा चूज करना चाहिए ठीक है। पैसा ठीक है मैं बात करूँ तो पैसा हर एक फील्ड में कमाओगे, ऐसे नहीं कि साइंस में कमाओगे कौन सी कमाओ नहीं, पैसा हर एक फील्ड में कमाओगे या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने काम को करते हो ओके स्टूडेंट्स ये हो गया। हाँ फिर भी अगर मैं ये कहूँगा कि अगर आपको सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही बनना है एक बिजनेसमैन ही बनना है फिर तो आप कॉमर्स लीजिए ओके। थोड़ा रब कर लेते हैं
रिसर्च का मतलब क्या हुआ, रिसर्च की वैल्यू क्या है। अगर मैं एक सिंपल सा साइंस लेके इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों की बात करूँ, साइंस लेके इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों को माइंड में सिर्फ चीज ही रहता है कि या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना है या इलेक्ट्रिकल लेना है या सिविल लेना है या केस लेना है, कंप्यूटर साइंस या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये हमारे बेसिक चार कोर सब्जेक्ट वैसे कोर ब्रांच होते हैं जो लेना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग के डेप्थ में जाते हो तो आप देखते हो कि यार इनके अलावा और 50 ब्रांचेज हैं, जैसे कि कुछ के नाम मैंने लिखे हैं, अब जैसे ये एरोस्पेस है, एरोनॉटिकल है, ऑटोमोबाइल है, बायोमेडिकल है, देन बायोटेक्नोलॉजी है, बायोमेडिकल अलग है, बायोटेक्नोलॉजी अलग है, ये केमिक है, केमिकल है, कम्युनिकेशन है, देन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, और इसी में एक और आया जाता है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान देना होता है। देन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, ये मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, पावर प्रोडक्शन, रोबोटिक्स, स्ट्रक्चरल, टेक्सटाइल, टेलीकम्युनिकेशन एंड टूल, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो आप देखो कि इस तरीके से बहुत सारे ब्रांच हो जाते हैं। अब इतने देखो जो ये मेन चार ब्रांच है, ये चार ब्रांचेस तो मोस्टली कॉलेज रखते ही रखते हैं, ठीक है, ये चार ब्रांच मोस्ट कॉलेज रखते हैं आपके। लेकिन अब जब यहाँ पे बात आती है ना, और ये इनके बाहर और भी इंजीनियरिंग की बात आती है, तो ऐसे कॉलेजेस बहुत ही कम होते हैं। तो इस केस में करना क्या आपको कि रिसर्च करनी है कि जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हो, आईआईटी, एनआईटी, आईएससी, ये तो ऐसे कॉलेज हैं जिनके बारे में पूरे इंडिया गवर्नमेंट के बारे में कोई मालूम है, ये कॉलेज है, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है, ठीक है, मतलब बीटेक के अच्छे कॉलेज हैं, फेमस है। लेकिन इसके अलावा भी आप देखो, सर रिसर्च करो कि जिस लोकेशन में आप रह रहे हो उस लोकेशन में किस टाइप के कॉलेज हैं और उन कॉलेज में क्या क्या ब्रांचेस अवेलेबल है, ठीक है ना। अब जो इंसान गुजरात का है वो अपने गुजरात में ही बेसिकली कॉलेज ढूंढेगा, जो दिल्ली का है वो दिल्ली में, यूपी का है वो यूपी में ढूंढेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से यूपी से अगर आप साउथ इंडिया जाओगे कि या बैंगलोर जाओगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये देखना है पहले कि आपको बेस्ट कॉलेज कहाँ मिल रहा है, अगर बेस्ट कॉलेज अदर स्टेट में मिल रहा है आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, जाइए, बेस्ट कॉलेज मिल रहा है जाइए, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेम चीज अपने ही स्टेट में मिल जा रहा है, अपनी लोकेलिटी में मिल जा रहा है, तो आपको भागने की जरूरत क्या है। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, वह रिसर्च वर्क, आपको रिसर्च करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। मैंने आपको इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल दिया, बहुत स्टूडेंट नहीं मानता है, लोग एमबीए करते हैं, अब ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना है या बीटेक के बाद एमबीए करना है, बीएससी के बाद एमबीए, बीकॉम के बाद एमबीए, बीए के बाद एमबीए, ठीक है। अब एमबीए में भी इसी तरीके मैं एमबीए में भी लोग सिर्फ ये नहीं होता है कि बस बिजनेस का ये करना, नहीं, उसमें भी कई सारे ब्रांच होते हैं। अब जितने ज्यादा ब्रांचेस हैं आपको ये देखना है कि क्या जिस कॉलेज में एडमिशन लेने की चाह रहे हो उस कॉलेज में वो ब्रांचेस अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर मैं आईआईटी की बात करूँ तो आईआईटी में जरूरी नहीं है कि आप जाओगे तो आपको सभी आईआईटी में ना ये सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे, नहीं, हो सकता है कुछ मिले कुछ ना मिले, बट ये जो कोर है जो आपको मोस्टली मिल जाएंगे हर जगह, किसी भी कॉलेज जाओगे इंजीनियरिंग के आपको मोस्टली जगह ये कॉलेज आपको मिल जाते हैं। आपको इनके अलावा जो ब्रांचेस हैं वो आपको देखना होता है कि क्या उस कॉलेज में अवेलेबल है ये नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोग, तो मैं जब जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे और आफ्टर 1000 कमेंट्स मैं जरूर इसके ऊपर कोई और वीडियो बनाऊंगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। अगर मुझे आपको सुनने आ गया हो कि कौन सा कोर्स लेना है कौन सा कोर्स नहीं लेना है, ओके फ्रेंड्स, ये हमारा बेसिक हो गया इंजीनियरिंग का। अब ऐसे ही कॉमर्स का भी, कॉमर्स के भी अपने ब्रांचेस होते हैं, साइंस है, साइंस के अपने फील्ड हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टडी की बात करूँ तो आपको मालूम है कि आप साइंस है, साइंस के बाद आप बीएससी, बीटेक कर सकते हो, ठीक है। बीएससी एस सी बी एस सी सारी ब्रांचेज हैं, वहाँ भी आपको देखना होता है कि आप कौन से ब्रांच में जा रहे हो। देन अगर आप कॉमर्स ले रहे हो, कॉमर्स में आप कौन से ब्रांच में जा रहे हो, उसमें भी फील्ड है। अब देखो जब आप इलेवंथ में जाते हो, सबसे पहले बहुत कौन सी, जब इलेवंथ में जाते हो इलेवंथ में ही अगर आप एक सब्जेक्ट की लिस्ट उठा के देखो तो आपके चार मेन सब्जेक्ट के अलावा एक एडिशनल सब्जेक्ट नाम के करीब 20 ऑप्शन होते हैं जो आपको चूज करना होता है कि आपको क्या लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो रिसर्च वर्क है ये बहुत जरूरी है। अपना एम देखो, आपका एम क्या है, ठीक है, एक बार सारी बातों को थोड़ा समराइज करते हैं कि अगर आपका एम एनी हाउ मनी है तो, अगर आपका एम
एनी हाउ मनी है फिर तो आप कॉमर्स लीजिए या आप कॉमर्स लीजिए, मैं तो यही प्रेफर करूंगा कॉमर्स लीजिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, ओके एमबीए वगैरह करिए, बहुत अच्छे से स्कोप्स हैं ठीक है, और देखिए कि किस काम को और अच्छा कर सकते हो ठीक है। अगर पैसा ही है तो बिजनेस में और एंटरप्रेन्योर ही ऐसे हैं जिनमें ज्यादा पैसा होता है ठीक है। अब ऐसे नहीं कि साइंस की फील्ड में पैसा नहीं है, कोई कोई भी जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो इस बात को लेकर के नाराज होना कि सर ने कहा है कि साइंस में तो पैसा नहीं है, नहीं साइंस स्ट्रीम में भी पैसा होता है, कॉमर्स में भी होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब साइंस स्ट्रीम लेते हो तो आप एक आपका एक फिक्स पैकेज होता है। फिक्स पैकेज क्या होता है, आप किसी के अंडर वर्क करोगे, अब किसी का अंडर जब वर्क करोगे तो आपका एक लिमिटेड पैकेज होगा। आपको सोचिए इस बात को, भाई कोई इंजीनियर है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर करते हैं, उसको 50 लाख का पैकेज मिल रहा है तो उसको 50 लाख का फिक्स अमाउंट है, यहाँ उसको भाई ईयरली 50 लाख ही मिलेगा या 1 करोड़ मिल जाएगा ठीक है। और भारी कंपनी में हो गया, और अच्छी कंपनी में हो गया, इंटरनेशनल कंपनी में हो गया, 5 करोड़ मिल जाए तो एक फिक्स अमाउंट होता है कि हाँ उतना मिलेगा। लेकिन जब एंटरप्रेन्योर में आते हो, आप बिजनेस मैन बनते हो, तो वहां पर आपकी इनकम की लिमिट नहीं होती, वहां पर लिमिट आपको पता ही नहीं आप कितना कर सकते हो, ये आपके वर्क के ऊपर है, आप काम के ऊपर है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर में है कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। तो अगर ये एम है तो आप, मैं देखूंगा गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब में देखिए आप किस गवर्नमेंट जॉब में जाना है, उसके अकॉर्डिंग से चूज करिए ठीक है। और अगर आप ये चाहते हो कि ना कि किस गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सी स्टडी करनी चाहिए, इसके ऊपर आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उतने ही फिर मैं बताऊँगा कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सी स्टडी जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप देखिए, आप देखिए कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब जाना है तो कमेंट सेक्शन में बताएं मेरे को कि हाँ सर हमें गवर्नमेंट जॉब करना है तो कौन सा फिर हमारे चलेगा सुटेबल रहेगा। इसके अलावा आपको अपना इंटरेस्ट वैसे ये फॉलो करना ही है, फर्स्ट थिंग था गवर्नमेंट जॉब मनी, सेकेंड गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब के बेस पे देख लो आप कौन से सब्जेक्ट चूज करोगे। ओके इसके लिए आप चाहे आर्ट लो या कॉमर्स लो या साइंस लो, तीनों ही फील्ड में आप गवर्नमेंट में जा सकते हो, आप आईटीआई करो पॉलिटेक्निक करो तो भी जा सकते हो, ऑनली टाइम फिर बैक क्यों जा सकते हो ठीक है। थर्ड अपना इंटरेस्ट देख लो, जब इंटरेस्ट किस चीज में है ओके, बिना इंटरेस्ट के तो सब्जेक्ट चूज करना कि इसमें ये कहा है नहीं, अब देखिए कि आपको इसमें इंटरेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ही नीट की बेसिस आप सब्जेक्ट चूज करिए, बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए सब्जेक्ट चूज करना ठीक है। अगर आप तो हाँ एक ये भी होता है कई बार कि ना कुछ फैमिली में जो मिडिल क्लास में या मुस्लिम मिडिल क्लास में ना इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है यानी कि फैमिली प्रॉब्लम है, जो कॉस्टली कोर्सेज होते हैं वो कोर्सेज वो लोग फैमिली प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अब जैसे बीटेक वगैरह तो बीटेक नॉर्मल बीटेक में 8-10 लाख का खर्चा आता है, तो एक मिडिल क्लास के लिए कई बार क्या होता है कि ये एक सिस्टम होती है कि हम क्या करें ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले पॉलिटेक्निक करिए, आप पॉलिटेक्निक करिए, पॉलिटेक्निक करेंगे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा ठीक है, एक आपके पास टेक्निकल डिग्री होगी और जिस चीज़ से आप बीटेक करना चाहते हो इन फ्यूचर तो आप उसी चीज़ आप पॉलिटेक्निक करिए, और ये मेरा पर्सनल सजेशन है ओके। और वो करने के बाद फिर आप थोड़ा वर्क करिए, जब आप उसका वर्क करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आप किस तरह से अच्छा कर सकते हो, एंड देन आप बीटेक में एडमिशन लीजिए ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि आपको अगर जब आपका एक प्रोफेशनल डिग्री हो जाए, टेक्निकल डिग्री हो जाए, तो आपको पार्ट टाइम जॉब का पार्ट टाइम काम के मौके मिल जाते हैं, और आप बीटेक करते हो डायरेक्ट 12th के बाद, उस 12th के बाद डायरेक्ट बीटेक करने के बाद करने में भी आपको बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब के ऑप्शन मिल जाते हैं, आज की डेट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप कॉमर्स ले सकते हो तो भी ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ऑप्शन में आ गया हो कि अब आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सा नहीं करना है ठीक है। फिर भी अगर कुछ डाउट आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप लोग कि हाँ सर हमें इन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, इनके टॉपिक के ऊपर हम जानना चाहते हैं। आई होप कि आपको इसी से सुन आ रहा हो, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, जो रेड बटन का है सब्सक्राइब उसे जरूर क्लिक करिए। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।